हाय गाइज, मैं हूँ कोमल और आपका स्वागत है मेरे चैनल कोमल ब्यूटी में। तो गाइज, आज का ये वीडियो जो है ना कोई मेकअप ट्रायल है और ना ही कोई DIY होम रेमेडी, कुछ भी नहीं। बट आप लोगों के साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर कर रही हूँ, अपनी चिट चैट वीडियो, जिससे कि मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर सकूँ। बहुत टाइम हो गया हम लोगों ने ऐसी बातचीत नहीं की है। एंड अच्छा, आप लोग ये इयरिंग्स जो देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल इयरिंग्स हैं, ये मीशो के हैं। एंड जो आप कुर्ती देख रहे हो वो भी मेरी मीशो की है। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेकअप लुक नहीं देखा है तो ये जो मेकअप लुक है ये मैंने किया था फेस्टिवल मेकअप लुक। बाकी आप कहीं भी कभी भी कर सकते हो, बहुत ही नेचुरल सा लुक है एंड क्लासी लुक भी है, तो कभी भी आप कर सकते हो उस मेकअप लुक को। एंड बस आप लोगों से ना थोड़ी सी बातचीत करनी थी, कुछ बोलना था, कुछ पूछना था, तो बस ऐसे ही वीडियो बना ली मैंने। बाकी ये मेकअप रिमूवर वीडियो है एंड मेकअप रिमूवर भी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है जो मैं फॉलो करती हूँ, बस वही आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। तो ये जो बैंगल आप देख रहे हो, ये बैंगल भी मेरे लोकल मार्केट से लिए हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोगों में से किस किस ने एक चीज़ नोटिस की है? आई थिंक बहुत से लोगों ने की होगी या नहीं भी की होगी, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोग मेरा फेस देख रहे हो, थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ना गुस्सा गुस्सा टाइप, मतलब एक्चुअली मैं थोड़ा सा नाराज़ थी, एवं ही मतलब है कुछ प्रॉब्लम, उस वजह से नाराज़ थी। लेकिन फिर भी क्या होता है कि देखिए, मैं आपके सामने कैसे मुस्कुरा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि आपको कैमरे के सामने मुस्कुराना ही पड़ता है, आप चाहे कैसी भी सिचुएशन हो आपके पास, बट पीछे से बैक कैमरा, बट आपको फिर भी कैमरे के सामने मुस्कुराना पड़ता है। तो बस वही चीज़ मैं फॉलो कर रही थी। एंड क्योंकि मैं आप लोगों को अपने कुछ भी कारण बताऊंगी, शायद आप लोग इंटरेस्टेड ना भी हो, तो चलिए अभी मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो बस मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं एंड अभी अपने हेयर ओपन कर लेती हूँ मैं। और अभी मैंने यहाँ पे ना हेयर कर्ली हेयर किए हुए थे मेकअप ट्यूटोरियल के लिए, और आप मेरे हेयर देख सकते हो, मतलब बहुत प्यारे लगते हैं, मतलब मुझे ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लगती है। ये जो हेयर स्टाइल है ना, मैं चोटी बना के करती हूँ, ओवरनाइट रखती हूँ एंड सुबह मेकअप के बाद इसको ओपन कर देती हूँ, तो कुछ ऐसा हेयर स्टाइल निकल के आ जाता है। मुझे ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अपने हेयर्स के साथ, मतलब अमेजिंग लगता है। एक्चुअली क्या बताएं, इसमें कोई हीट भी आप यूज़ नहीं कर रहे हो ना, तो बहुत ही अमेजिंग लगता है यार, है ना। तो बस मैं ज़्यादातर ऐसा लुक क्रिएट करना पसंद करती हूँ, क्योंकि एक्चुअली बताऊँ, सच में बताऊँ, मेरे पास हेयर स्ट्रेटनर नहीं है, कलर नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए जब कुछ डिफरेंट लुक करना होता है तो मैं ऐसा कुछ कर लेती हूँ बस, ठीक है। एंड अब मैं अपने बालों को ट्राई कर रही हूँ, अब देख सकते हो कितने लंबे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम आती है। बस ट्राई करने के बाद ऐसा बन बना लिया है। अच्छा, ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है कैमरे के सामने, आप लोग बताइएगा मेरे ऊपर ये बन कैसा लग रहा है। मैं बहुत कम बनाती हूँ ऐसा बन, बट फिर भी मैं बन बना के ही रखती हूँ अपने बालों का, तो ओपन हेयर्स नहीं छोड़ सकती, बहुत लंबे भी हैं एंड टूटते भी ज़्यादा हैं इसलिए, ठीक है। अच्छा, आप ये लैशेज़ निकालने के बाद आप आई लुक देख सकते हो कि कितना डिफरेंट हो जाता है आई लैश लगाने से पहले या लगाने के बाद। आई लैश के साथ ना जो लुक है ना, वो अगर इनकम्प्लीट भी होता है ना तो कम्प्लीट हो जाता है, बहुत अच्छा। ये मेरे स्विस ब्यूटी के लैशेज़ हैं, और चलिए मैं इसको रख देती हूँ, मेकअप रिमूवर करती हूँ एंड आप देखते जाइए मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेकअप रिमूवर यूज़ कर रही हूँ, ये है गार्नियर का मिस क्लेयर वाटर है ये, इससे मैं मेकअप रिमूव करूँगी अपना, और बहुत अच्छा है ये, बहुत ईजिली इससे मेकअप रिमूव हो जाता है एक बार में ही, एक स्वैप में ही, है ना। तो अच्छा गाइज, एक चीज़ आप लोगों से पूछूँ कि आप लोग क्या, आप लोगों को मेरे वीडियोज़ अच्छे नहीं लगते हैं, कुछ प्रॉब्लम लगती है मेरी वीडियोज़ में? अगर ऐसा कुछ भी है तो आप मुझे बताइए ना, मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोगों को कुछ भी लगता है मेरी वीडियोज़ में तो मैं उस चीज़ को सही करूँगी। आप लोगों को क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती है मुझे बताइए, मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं उसको आपके अकॉर्डिंग करूँगी, जैसा आप लोगों को अच्छा लगे। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँ जो आप लोगों को अच्छा लगे, बट पता नहीं क्यों यार। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ कि क्या होता है कि जब हम नए नए यूट्यूबर होते हैं या फिर जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं, वो लोग काम तो अपना प्रॉपर करते हैं बट उनके पास इतने व्यूज़ नहीं होते, इतने सब्सक्राइबर नहीं होते, वो क्यों? क्योंकि अभी क्या हुआ है कि बीच में टिकटॉकर्स भी आ गए हैं यूट्यूब पर, तो क्या होता है जो फेमस होते हैं ना ऑलरेडी पहले से ही, तो आप लोग उनके पास ज़्यादा जाना पसंद करते हो, बजाय उसके जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं जो अभी नए नए आते हैं उनके पास। तो यार मेहनत तो हम लोग भी करते हैं ना, हमारी भी मेहनत उतनी ही होती है जितनी उन लोगों की होती है, शायद उनसे ज़्यादा ही होती है, बट फिर भी पता नहीं क्यों आप लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती है। तो बस मैं यही बोल रही हूँ कि मेहनत तो हम भी करते हैं, और प्लीज़ यार हमारी मेहनत को थोड़ा सा सराहो यार, जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, जो नए नए यूट्यूबर्स हैं, उनकी भी मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट करो प्लीज़। वैसे ऐसा नहीं है कि मैं अभी यूट्यूब पर नई नई आई हूँ, मुझे आए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और मैंने इतने टाइम में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मुझे पता है, मैंने अपने पूरे दिन रात एक किए हैं इस यूट्यूब के लिए एंड मेहनत मैंने बहुत ज़्यादा की है, उतना रेस्पॉन्स मुझे मिला नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो, वीडियोस को पसंद भी करते हो।
आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है, और मैं जानती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों के कमेंट मेरे पास आते हैं, मुझे अच्छी लगती है, मेरी 2-3 वीडियो वायरल भी हुई हैं, एंड फिर भी यार पता नहीं क्यों आप लोगों को वीडियो लाइक नहीं करते। आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहती है आई थिंक, और फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, या प्लीज़ लाइक कर दिया करो, क्योंकि आप देख रहे हो एक मेकअप लुक करने में ना इतना टाइम लग जाता है, कम से कम 5-6 घंटे लग जाते हैं, फिर ब्यूटी शॉट देना पड़ता है 1-2 घंटे में, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं, उसके बाद मेकअप रिमूव करना पड़ता है, तो एक मेकअप में ना पूरा दिन हो जाता है आपको मालूम है। ऐसे में हमारी फैमिली भी होती है, हम उनको टाइम नहीं दे पाते हैं। अच्छा ऐसा नहीं है कि मैं बस मेकअप जो भी है अपना जो वीडियोस बनाती हूँ वो ऐसे ही बना लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये काम करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये वीडियोज़ बनाती हूँ, और आप लोगों के लिए भी बनाती हूँ कि जो कुछ मुझे आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। मुझे वैसे ज़्यादा कुछ नहीं आता, मेकअप में भी मुझे कुछ ज़्यादा नहीं आता, बट जो भी आता है मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि जितना कुछ बांट दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है अपने पास जो भी है। और एक्चुअली पता है, हाँ एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, मैं यहाँ पर इतना बड़बड़ कर रही हूँ ना, मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ और थोड़ा सा नाराज़ भी हूँ, तो इसलिए आप लोगों को ऐसा दिख रहा होगा, बट क्या करूँ, कैमरा भी ऑफ नहीं हो पाया था, बट ठीक है कोई नहीं, आप देख लीजिएगा। तो बस यहाँ मेरा मेकअप रिमूव हो गया है ऑयल के साथ, अब मैं यहाँ पे वाइप से भी रिमूव करूँगी, तो मैं इस तरीके से 3 स्टेप लेती हूँ मेकअप रिमूव करने के लिए, ठीक है। वैसे आप लोगों ने मेरा यहाँ तक की जर्नी में मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, बहुत से लोग हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी फैमिली हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया है मेरा, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं उनको सब्सक्राइबर नहीं बोलूँगी, मैं अपनी फैमिली ही बोलूँगी, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती, मेरी यूट्यूब से अर्निंग भी स्टार्ट नहीं हुई होती अगर उन्होंने साथ नहीं दिया होता तो। एंड अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि आप लोग क्या देखना चाहते हो, मतलब और किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हो, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने बहुत सारे DIYs होम रेमेडी शेयर की हुई हैं, आप लोग पता नहीं क्यों लाइक नहीं करते हो, अच्छी लगती हैं, बहुत सारे कमेंट भी करते हो, कमेंट भी आते हैं, बट पता नहीं क्यों यार आप लोग लाइक कर दिया करो ना यार, लाइक करने से क्या जाता है यार, प्लीज़ एक लाइक कर दो, आप लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त है वो, आपका एक भी पैसा नहीं लगने वाला है उसमें, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करो अगर अच्छी लगे तो। अच्छा अब मैं अपने फेस को वॉश करने जा रही हूँ, उसके लिए मैंने गार्नियर का फेस वॉश यूज़ किया है, तो बस ये फेस वॉश मेरा हो चुका है, एंड अभी मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ एलोवेरा जेल, टोनर लगाऊंगी उसके बाद एलोवेरा जेल लगाऊंगी, देन इनफ, रात के लिए मैं इतना ही करती हूँ बस, ज़्यादा नहीं करती। और अच्छा हाँ एक चीज़ और, मैं अगर जो मेरे वीडियोस हैं ना वो ऑल्टरनेट डेज पे आते हैं, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं, मैं ऐसा ही कर सकती हूँ, मैं अभी रेगुलर नहीं हो सकती, क्योंकि अभी ना तो मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर हूँ और ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है, क्योंकि मुझे ना अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है, अगर मैं रेगुलर वीडियोज़ डालूंगी तो ना तो मैं अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दे पाऊँगी और ना ही यूट्यूब की तरफ, क्योंकि एक तरफ तो पल्ला मेरा भारी होगा और एक तरफ थोड़ा सा गिर जाएगा, क्योंकि एक्चुअली क्या होगा ना कि मतलब अगर मैं फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान दूंगी तो यूट्यूब में यूट्यूब से मेरा थोड़ा ध्यान हट जाएगा, और यूट्यूब पे ज़्यादा ध्यान दूंगी तो फैमिली से हट जाएगा, और दोनों को मेंटेन करना, दोनों को इक्वल रखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए ना मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, मुझे प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया कीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप मुझे हेल्प ही करेंगे ना प्लीज़, तो थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत मुझे आपसे भी है, तो प्लीज़ मेरी फैमिली तो मुझे सपोर्ट कर ही रही है, बट आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए तो अच्छा लगेगा। तो बस ये देखिए, यही मेरा स्किन केयर था आज का, और ये मैंने जो मेकअप रिमूव किया, बस यही थोड़े से स्टेप होते जो मैं फॉलो करती हूँ, तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, थोड़ी सी चिटचैट वाली वीडियो, तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर एंड फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक मैं आपको नीचे मैंशन कर दूँगी, और इंस्टाग्राम पे ना मैं रील्स भी बनाती हूँ, आई होप आप लोगों को अच्छे लगेंगे, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज, मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा।